हम महंगाई की बात करते हैं तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट सरिया ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की? सिर्फ दूध फल सब्जी की महंगाई से ही दर्द क्यों? व्यापारियों का पानी 20 रुपए प्रति लीटर पर चर्चा क्यों नहीं? क्या महंगाई का रोना सिर्फ किसानों से छलावा है? आखिर कब सुधरेगी किसानों की दयनीय स्थिति? नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनितावाद। संसद में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के 12वें दिन मंगलवार यानी कि 3 अगस्त को महंगाई पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर सवाल किए। जयंत चौधरी ने सदन में किसानों की पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि खाद बीज कृषि उपकरण से लेकर हर चीज पर महंगाई है, लेकिन हम सदन के लोग केवल दूध फल सब्जी की महंगाई पर ही बात करते हैं। मैं सदन की बातों से सहमत नहीं हूं। मेरी राय सदन के बाकी सदस्यों से अलग है। सुनिए सदन में और क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहाँ सदन में हुई है उससे मैं कुछ अलग राय रखता हूँ। हम महंगाई की बात करते हैं तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट सरिया ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की? क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? 2014 में अगर 1 एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते आपके औसतन 3,000 रुपये खर्च हो रहे थे, आज 8 साल बाद 5,400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते 300 रुपए का बीज आ जाता था, आप 600 रुपए लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3,000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6,000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हम सिर्फ महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% GST वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पर भी आप 12% GST वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहाँ ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल पेट्रोल बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह उन गरीब किसान मजदूरों का दुर्भाग्य है जो अपने खून पसीने की कमाई से बिना दिन रात सर्दी गर्मी देके 130 करोड़ लोगों से अधिक लोगों का पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। तो फिर इन मेहनतकश लोगों के उत्पादन जैसे दूध फल सब्जी की कीमतों के बढ़ने पर ही आम आदमी से लेकर देश के नेता विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री तक रोना क्यों रोते हैं? यह बात सोचने वाली है। क्या इन लोगों ने कभी यह सोचा है कि एक मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के पास रहने के लिए छत है कि नहीं? मेहनतकश लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं? निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं कि नहीं? स्कूल की महंगी फीस, सीमेंट सरिया और भी दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएं, साबुन सर्फ मोबाइल रिचार्ज पेट्रोल डीजल किराया कितना महंगा है, इस पर सदन में कभी बात क्यों नहीं होती? निश्चित तौर पर इन विषयों पर भी आवाज उठाना चाहिए, तभी सही मायने में महंगाई से निपटा जा सकता है। केवल दूध दही फल सब्जी की महंगाई से रोना तो लगता है मानो को किसानों के साथ कोई छलावा हो रहा है। वारे मेरे देश के महान लोगों, एक गरीब किसान की रोजी रोटी का जरिया वाले उत्पादों पर तो आपको महंगाई दिखती है और देश में पेट्रोल डीजल से लेकर यात्रा शिक्षा दवाई पर कोई महंगाई नहीं दिखती। सच तो यह है कि देश में जितनी भी सरकार अब तक बनी है वो नहीं चाहती है कि गरीब आदमी पढ़े लिखे धन इकट्ठा करे,
क्योंकि सरकारें गरीबों की गरीबी मिटा देगी तो बड़े बड़े उद्योग कारखानों में कम कीमत पर मजदूरी कौन करेगा। अगर सरकार को हकीकत में देश से गरीबी मिटानी है तो देश की जितनी भी जनता है उनके परिवारों को सरकार सीधे बजट उनके खाते में दे और रोजगार दे। हमें नहीं चाहिए सरकार की हजारों योजना जिनके नाम पर मंत्री सांसद से लेकर कर्मचारी अफसर बंदर बांट करके हितग्राही के पास कुछ पहुंचता ही नहीं है। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि सरकार इन योजनाओं के केवल विज्ञापन में ही इतना पैसा खर्च कर देती है जितना कुल पैसे हितग्राहियों के पास नहीं पहुंचता है। साथियों, ये जो व्यवस्था है, जो माहौल है देश का, बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम योजनाओं के नाम पर किस तरह से नेता और अधिकारी कर्मचारी बंदरबांट करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप दिन प्रतिदिन अखबारों की हेडलाइन में देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पे हुआ, इतने करोड़ रुपए इस अधिकारी के पास पाए गए। ये हमारे देश की प्रमुख समस्या है। और जैसे तैसे जो देने यूज की चीजें हैं जिनको किसान, गरीब किसान उगाता है, वो महंगी हो जाती है, 2 रुपए का फायदा किसानों को मिलता है, तो देश के नेता से लेकर आम आदमी तक महंगाई का रोना रोने लगते हैं। लेकिन सही मायने में महंगाई क्या है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनताबाद। आपको ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।